भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचा कहर अब कम हो चुका है। देश में एक दिन में मरने वालों की संख्या 1000 से नीचे आ चुकी है, तो नए मामलों में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। दिनों दिन घटते इन आंकड़ों से भारत को राहत मिल रही है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन में छूट के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 37,566 नए मरीज सामने आए। भारत में 102 दिन बाद कोरोना के नए मामले 40,000 से कम रिपोर्ट हुए। नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,03,16,897 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 907 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,97,637 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 56,954 नए मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,93,66,601 तक पहुंच गई। देश में फिलहाल एक्टिव मामलों की कुल संख्या 5,52,659 है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामले कुल मामलों के 1.82% हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96.87% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.12% है। बात करें अगर दिल्ली की, तो यहां सोमवार को कोरोना के अब तक के सबसे कम नए मरीज सामने आए हैं। रिकॉर्ड कम संक्रमण दर और मात्र 2 मरीजों की मौत हुई है। इस आधार पर फिलहाल दिल्ली में कोविड के हालातों को नियंत्रण में कहा जा सकता है। सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 58,895 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 59 सैंपल्स पॉजिटिव मिले। पिछले साल 30 अप्रैल को 76 नए मामले की पुष्टि हुई थी, जो अब तक किसी एक दिन में सबसे कम नए मरीजों की संख्या थी। सोमवार को आए 59 नए मरीज अब तक सबसे कम मरीज हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 52,76,457 वैक्सीन्स लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 32,90,29,510 तक पहुंच गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 17,68,008 सैंपल्स टेस्ट किए गए। कल तक कुल 40,81,39,287 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।